हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जिसमें ये जो हेक्सागोनल है इसके जो साइड्स है ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एंड एफ ए, इस साइड्स का एक्स कंपोनेंट निकालना था और उसके बाद उसी के बेसिस पर एक रिलेशन था जिसका मान जीरो था उसको निकालना। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो अगर हम लोग चले तो ए बी एक वेक्टर है, बी सी दूसरा वेक्टर है, सी बी तीसरा वेक्टर है, डी चौथा वेक्टर है, ई ए पांचवा वेक्टर है और एफ ए छठा वेक्टर है। तो ए बी वेक्टर को यदि हम लोग कंसिडर करें, AB वेक्टर x कंपोनेंट निकालना, किसी भी दिशा के अकॉर्डिंग जो उसका कंपोनेंट उसका घटक निकालते हैं, तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम हमको जो वेक्टर है वो उस दिशा के साथ क्या कोण क्या एंगल बनाता है उसको जानना जरूरी होता है। तो AB जो है वो x के अलोंग क्या कोण बना रहा है? AB x के along है, that means AB is making 0 degree along the x axis। तो AB का x घटक क्या होगा? AB vector का x घटक क्या होगा? तो क्या होगा? AB का लेंथ, AB का लेंथ इनटू cos अल्फा, अल्फा मींस एंगल बिटवीन AB वेक्टर एंड x एक्सिस एंड दैट इज हियर जीरो। एंड लेट अस कंसीडर दैट द साइड इज a, all the sides are equal and have the length of a. So AB cos 0 degree, AB is what it is, magnitude of side AB that is a, and the cos 0 degree is 1. So 1 that means. अब BC का x घटक निकालना, BC का x घटक निकालना, तो क्या होगा? BC कितना एंगल बना रहा है x के अलोंग, तो ये जो होगा ये इसका अल्फा होगा। अब ये एक हेक्सा रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन का सभी का एंगल बराबर होता है और ये 120 डिग्री है। अगर ये 120 डिग्री है दैट मींस ये 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। दैट मींस अगर इसको ठीक है तो पाई बाय 3 लिख सकते हैं। तो BC का x घटक क्या होगा? BC cos कितना डिग्री है? cos 60 डिग्री या पाई बाय 3 रेडियन। दैट मींस BC भी क्या हो जाएगा? BC का भी जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड है वो a है, a मल्टीप्लाई बाय cos 60 डिग्री कितना होता है? cos 60 डिग्री होता है 1 अपॉन रूट 3 ऑफ सॉरी 1 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका a बाय। अब BC को देखते हैं, BC या यहाँ अगर हम पैरेलल x मान लें तो ये जो कोण होगा ये कोण BC जो है CD को हम लोग BC नहीं बोल सकते, सॉरी CD वेक्टर है, x के साथ क्या बनाना है? ये एंगल अल्फा बनाना है।
ये कितना एंगल बनेगा? ये जो है ये दोनों पैरेलल है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री होगा, ये जो हो जाएगा ये आपका 120 डिग्री हो जाएगा, दैट मींस 2 पाई बाय 3 होगा। तो CD वेक्टर का घटक कितना हो जाएगा? CD cos 120 डिग्री, दैट मींस A cos 120 डिग्री मतलब क्या होगा? माइनस cos 60 डिग्री, क्योंकि cos 120 डिग्री को लिख सकते हैं cos 180 माइनस 60 डिग्री, एंड दैट इज माइनस cos 60 डिग्री, क्योंकि फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा। तो cos 120 डिग्री को लिखेंगे माइनस cos 60 डिग्री, माइनस cos 60 डिग्री, माइनस यहां डाल दिया, cos 60 डिग्री 1/2 है, दैट इज a बाय 2, माइनस a बाय 2, a b b c c d, नाउ d e, अब देखिए DE कितना बना रहा है, यहां भी आप ले जाइए x एक्सिस को, तो यहां से यहां तक जा रहा है, दैट मींस ये x एक्सिस के लॉन्ग है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, ये x एक्सिस के लॉन्ग है लेकिन पॉजिटिव x के डायरेक्शन है, इसलिए यहां पे 0 डिग्री हो गया, यहां पे कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। DE cos 180 cos 180 माइनस 1 होगा, क्योंकि इस फॉर्मूला में जाइए तो 180 माइनस 180 मतलब 0 डिग्री, तो cos ये कितना हो जाएगा माइनस cos 0 डिग्री होगा, और माइनस cos 0 1 होता है, इसलिए ये आपका माइनस a हो गया। EF EF का क्या होगा? अगर ये x एक्सिस के अलोंग है, यहां से चल के यहां तक आपका मतलब क्या हो गया 180 प्लस 60, दैट मींस 240 डिग्री, दिस इज 240 डिग्री, ये 180 डिग्री है, इसको हम लोग लिख सकते थे पाई, मींस 3 पाई बाय 3 हो गया, ये आपका 4 पाई बाय 3 हो गया, ठीक है, तो 240 डिग्री मींस 4 पाई बाय 3, ये का मान अगर निकालेंगे तो EF cos 240 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो इसका भी फॉर्मूला होता है cos 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा, अगेन EF माइनस ए कॉस 60 डिग्री, दैट मींस माइनस ए कॉस 60 डिग्री मींस माइनस ए बाय 2। अब ये हमारा एफ ए, एफ ए का मान निकालना है, अब देखिए एफ ए कितना बनेगा, एफ ए बनेगा यहां से चल के यहां पर, ये बच गया 60 डिग्री, ये जो हो गया ये हो गया आपका 360 माइनस 300 डिग्री, इसको आप लिख सकते थे 5/3, ठीक है, तो अब ये कितना बना गया एफ ए कॉस 300 डिग्री, मतलब क्या हो गया cos 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस a cos 60 डिग्री माइनस क्यों, वो माइनस यहाँ माइनस नहीं होगा क्योंकि cos थीटा है तो यहाँ माइनस नहीं है,
ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ये हो गया आपका, ये माइनस नहीं है सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका ए बाय टू। इस तरह से ए बी बी सी सी बी डी ई एफ एफ ए का हमने मान निकाला। अब इस सारा को ऐड करिए, सबके कंपोनेंट को देखिए, ए और ये दोनों ए माइनस ए जीरो, ए बाई टू माइनस ए बाई टू जीरो, माइनस ए बाई टू ए बाई टू, एक्स कंपोनेंट सारा का सारा जीरो हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है तो देखिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी बी प्लस डी ए प्लस एफ ए, ये एक क्लोज लूप बना रहा है, क्लोज लूप बना रहा है, तो इसका जो तो रिजल्टेंट है वो जीरो है, इसीलिए इसका मान, इसलिए इसका जो तो एक्स कंपोनेंट होगा वो भी जीरो होगा और वाई कंपोनेंट है वो भी जीरो होगा। और आप लोग देख रहे हैं कि एक्स कंपोनेंट का एडिशन करने पे यह जीरो हो जाता है। तो अगर हम केवल एक्स कंपोनेंट को जीरो को ऐड करें तो आपको पता चलेगा, अगर हम सारे एक्स कंपोनेंट को ऐड करें तो हमको क्या मिलता है, ए कॉस 0 डिग्री प्लस ए कॉस 5/3 प्लस ए कॉस 2π/3 प्लस ए कॉस 3π/3 प्लस ए कॉस 4π/3 प्लस ए कॉस 5/3, सब का मान जीरो है। ए बाहर ले लेंगे तो आपको कॉस 3 प्लस कॉस 5/3 प्लस कॉस 2π/3 प्लस कॉस 3π/3 कॉस 4π/3 कॉस 5π/3 बराबर जीरो आएगा। इस तरह से आप लोग इस फॉर्मूला को भी प्रूव करते हैं। इसी तरह से आप y कंपोनेंट निकाल सकते हैं, उसके भी एडिशन करेंगे तो उसका मान जीरो आएगा, और उसमें आप कॉस के बदला साइन 0 साइन 5/3 साइन 2π/3 ये सब का एडिशन आपको जीरो आ जाएगा।